अगली खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पिछली खबर से लगभग जुड़ी हुई है, सीधा कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन सोचिए आपके गांव में बिजली नहीं पहुंचती है, रोजगार नहीं मिलता लोगों को, तो फिर वो पलायन करते हैं, पलायन करते पहुंच जाते हैं कई बार विदेश तक भी, और विदेश में कई बार उनके साथ ऐसा धोखा हो जाता है कि वो ना वहां रह पाते ढंग से, ना अपने वतन वापस लौट पाते हैं। ऐसा ही हुआ है झारखंड के मजदूरों के साथ मलेशिया में, अफ्रीका के बाद अब मलेशिया में भी झारखंड के 30 मजदूर जो फंसे हुए, उन्होंने परेशानी को लेकर एक वीडियो जारी किया है। उन्हें पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है और उनका वीजा भी एक्सपायर हो चुका है, ऐसे में उन्हें छुप कर रहना पड़ रहा है अपने घर में कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले, क्योंकि राशन पानी भी नहीं ला पा रहे हैं। तो मजदूरों ने कंट्रोल रूम में वीडियो संदेश भेजकर झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वीडियो संदेश मलेशिया में फंसे हुए झारखंडी मजदूरों का है जिन्हें उनकी कंपनी ने छोड़ दिया है। पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण मजदूर भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं, इनका वीजा भी एक्सपायर हो चुका है, पुलिस के डर से ये घर से बाहर भी नहीं निकलती। श्रम विभाग ने भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर अविलंब इन मजदूरों तक खाना पीना और राशन पहुंचाने की अपील की है। ये मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के रहने वाले हैं। इसमें जो गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो से 3 जिले से लगभग 30 मजदूर मलेशिया में जो काम करने के लिए गए थे, उनका कुछ इश्यूज के बारे में सूचना प्राप्त हुआ है। उसमें मुख्यतः ये बात आ रही है कि सामने की उनको 4 महीने से उनको सैलरी शायद नहीं मिला है और उनका वीज़ा का भी एक्सपायरी हुआ है। तो हम लोग सेक्रेटरी की तरफ से भी लास्ट वीक को ही लेटर गया है। श्रम मंत्री ने कहा कि इन मजदूरों को भी वापस लाया जाएगा और बाहर काम करने वाले तमाम मजदूरों का एक डेटाबेस भी तैयार करने का निर्देश दिया गया ताकि उनका हाल चाल जरूरत पड़ने पर समय समय पर लिया जा सके। पहले ही ई श्रम पोर्टल में 88 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहाँ कहा कि एक पोर्टल तैयार कीजिए, सभी को बायोडाटा होना चाहिए और पता चले कि कौन व्यक्ति किस जिला का है, किस राज्य में, किस देश में काम कर रहा है, जिसका बायोडाटा होना चाहिए। तो अभी बातें संज्ञान में आई है, हम श्रम आयोग से बात करके और अपने विभागीय सचिव से बात करके और उन लोग आना चाहते हैं, तो लाने की व्यवस्था कैसे हो के लिए हम लोग विभागीय स्तर पर बात करते हैं। इन मजदूरों को लीड मास्टर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी बाकायदा पासपोर्ट और वीजा पर मलेशिया ले गई और वहां जाकर 4 महीने पहले वेतन देना बंद कर दिया। अब सरकार एम्बेसी की मदद से कंपनी पर शिकंजा कसेगी और मजदूरों की वापसी सुनिश्चित कराएगी, प्रयास शुरू कर दिए गए। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।